हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, किसी भी स्वेटर में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। लेडीज स्वेटर या जेंट्स स्वेटर या बच्चों के स्वेटर में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। 11 फंदों पे चलने वाला ये डिज़ाइन है और 8 रो का, 8 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक इतना, ये 8 रो हैं। इन्हीं 8 रो को हमने बार बार रिपीट करा हुआ है और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 11 फंदों का ये डिजाइन है। इतना 11 फंदे हैं, ये 11 फंदे हैं, 11 11 फंदों में ये डिवाइड है ये डिजाइन। फ्रेंड देखिए, ये सीधी तरफ से ऐसा दिखता है और ये इसका बैक साइड है। देखिए ये देखिए बहुत ही प्यारा है। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। फ्रेंड्स हम जब भी ये डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो हमने पहले अपना बॉर्डर तैयार करना है। देखिए मैंने ये बॉर्डर बनाया है 11 के हिसाब से। आपने अपने प्रोजेक्ट पे ये फंदे डिवाइड करने हैं प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं एज स्टिच के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इस पे डाले हैं 15 फंदे, 11 फंदे तो मैंने डिजाइन के लिए डाले हैं और 4 फंदे मैंने एक्स्ट्रा डाले। देखिए मैं इतना बना के दिखाऊंगी आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिजाइन में आपको इतना बना के दिखाऊंगी। इतने ये 15 फंदे हैं, 11 फंदों का डिजाइन है और 4 फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं हमने। अब देखिए राइट साइड से स्टार्ट होगा फर्स्ट रो। देखिए कैसे बुननी है, पहली सिलाई तो हम पूरा सीधा सीधा बुन के ही ओवर करेंगे। पहली सिलाई हमने पूरी सीधी सीधी बुननी है, इस तरह से हमारी पहली सिलाई बुनी जाएगी। बॉर्डर के बाद हमने डिजाइन स्टार्ट करना है। ये देखिए फर्स्ट रो हमने पूरी सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। बैक साइड से देखिए, बैक साइड से हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। सेकंड रो हमारी बैक साइड है, इसे हम पूरा उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। ये हमारी पूरी उल्टी उल्टी जाएगी। टोटल 8 रो का ये डिजाइन है, 2 रो तो ये हो चुकी हैं। ये देखिए बैक साइड हमने पूरा उल्टा उल्टा बुना और ये देखिए दो सिलाई हमारी पूरी हो गई। अब देखिए थर्ड रो हमने कैसे बुननी है। पहला फंदा हमने सरकाया, 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये चाहे तो आप इसे भी उल्टा बुन सकते हो, 4 फंदे उल्टे होते हैं। देखिए 3 और 1 ये 4। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है। अब देखिए इस धागे को हम अपनी तरफ ही रखेंगे और अब देखिए इस फंदे को लेंगे और इसे इस तरह से लेते हुए ट्विस्ट करते हुए इस पे डालेंगे। ये देखिए ये फंदा मैंने ट्विस्ट करके ऐसे डाला, धागा अपनी साइड ही रखा क्योंकि हमने यहाँ पे एक जाली डालनी है। अब देखिए 2 फंदे हम इस तरह से लेते हुए, पीछे से लेते हुए बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए ये बुना। अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और 3 फंदे हमारे सीधे। अब देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, नहीं धागा अभी पीछे ही रखेंगे। आगे के 2 फंदे देखिए, आगे के 2 फंदे हमने एक साथ बुनने हैं इस तरह से, 2 का 1 किया, धागा हम पीछे ही रखेंगे। अब हम ये फंदे उल्टे बुनेंगे और हमें यहाँ पे जाली बनानी है इस तरह से। देखिए ये जाली बन गई हमारी, यहाँ पे 4 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। लास्ट में हमारे 4 फंदे बचेंगे, ये चारों उल्टे। बैक साइड हमारी हर बार उल्टी जाएगी, सारे फंदे हमने उल्टे ही बुनने हैं। बैक साइड हमारा हर बार उल्टा ही आएगा। ये देखिए ये जाली में फंदा बड़ा था, इसे भी हम उल्टा ही बुनेंगे। सारे फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। ये देखिए ये जाली में बड़ा हुआ था, इसे भी हम उल्टा ही बुनेंगे। इस डिजाइन में बैक साइड हर बार उल्टा ही आता है, सारे फंदे उल्टे ही बुने जाते हैं। देखिए अब हमारी आ गई है 5th रो।
इस फंदे को सरकाया और तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, एक दो और तीन। अब देखिए यहाँ पे जो जाली पे फंदा बड़ा था, धागा पीछे करेंगे हम, इसे सीधा बुनेंगे। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे एक जाली डालनी है। इस फंदे को इस तरह से ट्विस्ट करते हुए लेंगे ऐसे, और इसके साथ वाला फंदा और ये दोनों एक साथ बुनेंगे पीछे से। देखिए एक जाली भी बन गई हमारी और दो का एक हो गया। अब हमारा यहाँ पे केवल एक फंदा सीधा बचेगा और ये जो दो फंदे हैं इनको हमने इस तरह से बुनना है। देखिए दो का एक करना है, ये देखिए दो का हमने एक किया। धागा अपनी तरफ करना है क्योंकि हमने यहाँ पे एक जाली बनानी है और ये जाली में जो फंदा बटा था उसे हम सीधा बुनेंगे। देखिए लास्ट में हमारे चार फंदे बचेंगे, उन्हें हम उल्टा बुनेंगे, तीन और चार। ये देखिए हमारी फिफ्थ रो भी ओवर हो चुकी है। अब देखिए हमारी सिक्स रो कैसी, सिक्स रो हमारी उल्टी उल्टी बुनी जाएगी सारी, बैक साइड हमेशा पूरा हमने हर बार हमने उल्टा ही बुनना है। बैक साइड पूरा उल्टा उल्टा। देखिए सिक्स रो भी हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, ये देखिए बैक साइड पूरा उल्टा उल्टा। अब हमारी आ गई सेवेंथ रो। देखिए सेवेंथ रो में भी पहले हम चार फंदे उल्टे बुनेंगे, दो तीन और चार। अब हमारे यहाँ पे दो फंदे पहले सीधे बुने जाएंगे, देखिए एक और दो फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करेंगे क्योंकि यहाँ पे जाली बनानी है। अब हमने तीन फंदे यहाँ पे बीच में बचते हैं, इन तीन फंदों का हमने एक करना है पीछे से लेते हुए, तीनों फंदों को हमने एक साथ बुनना है ऐसे। फिर हम जाली बनाएंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक और दो। धागा अपनी तरफ करेंगे, किनारे के चार फंदे उल्टे। सेवेंथ रो हमारी ओवर हो चुकी है। अब हम आते हैं एट्थ रो में, बैक साइड पूरी उल्टी उल्टी जाएगी। देखिए बैक साइड हमारी पूरी उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। इस बुनाई में हर बार उल्टा ही बुनना है, उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे। इन्हीं एट रो को फ्रेंड्स बार बार हमने रिपीट करना है और हमारा ये डिजाइन बनता हुआ चला जाएगा। देखिए ये डिजाइन हमारा पूरा हो चुका है, ये देखिए इन्हीं एट रो को हमने बार बार रिपीट करना है। देखिए फिर से हमने फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है, जैसे मैंने फर्स्ट रो बुनी थी, और ये हमारा डिजाइन बनता हुआ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय बाय।